कार्टून बना हुआ है फ्रंट बैक से होगा, लेकिन उन्होंने बैक का बम्पर भी नहीं लगाया हुआ। चेक करते हैं अंदर क्या किया हुआ। इसके शौक कहाँ पे हैं? लो शौक ही नहीं है इस गाड़ी के तो। भाई फेंडर शीशा ये वीडियो का लगा हुआ है, फेंडर का मिरर 500-700 का रुपए का आता है। देखे ना लाइट का गैप देख लें, कितना गैप है, गैप देख लें, लाइटें गिर जाती है। ये बम्पर का गैप देख, बम्पर का स्क्रू लगा हुआ है सामने। ये देखें, ये हमारी गाड़ी में ये कट होता ही नहीं है, ये नहीं होता। इन्होंने बैकलाइट बनाई है लेकिन ये बैकलाइट टेढ़ी है, गार्निश लगी हुई है इससे, लेकिन इसका बम्पर इन्होंने लगाया था। कस्टमर की आंखों में ना इन्होंने मट्टी डाली हुई है। ये जो हाथ जा रहे हैं अंदर, बहुत ज्यादा गैप्स है भाई। इंटीरियर से क्या करने जा रहे हैं? इंटीरियर भी कंप्लीट इसका चेंज होना है, इसका पुराने मॉडल का इंटीरियर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, वो तैयार गाड़ियां दिखाते हैं, लेकिन ये भी गाड़ी तैयार है। क्या लेने आई ऑटो चैनल वन पे? फाइनली किसी अदारे ने गाड़ी तो तैयार की हुई है, लेकिन ये ऑटो चैनल वन पे गाड़ी किस लिए आई है, किस मकसद के लिए आई है, साहब भाई से यही बात डिस्कस करेंगे। फाइनली साहब भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये गाड़ी तो तैयार है, प्रांडो फेस अपलिफ्ट तो हुआ हुआ है यार, क्या होने आया ये गाड़ी को? भाई जान ये इनकम्प्लीट गाड़ी है, और दूसरा इसके इश्यूज बहुत ज्यादा है फिटिंग में, इसके काम में। अनकम्प्लीट मतलब कार्टून बना हुआ क्या? जी भाई जान कार्टून बना हुआ है फ्रंट बैक से होगा, लेकिन उन्होंने बैक का बम्पर भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ फ्रंट इसकी बोनट फेंडर लगा के और गाड़ी को। ये फ्रंट के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये लाइट तो भाई जान देखे ना, लाइट का गैप देख लें, कितना गैप है, गैप देख लें, लाइटें गिर जाती है। ये बम्पर देख, बम्पर का गैप देख, बम्पर का स्क्रू लगा हुआ है सामने। बिल्कुल सिर्फ इन्हीं वजह से ये गाड़ी हमारे पास दोबारा ठीक होने के लिए। और गाड़ी में कहते हैं शोर बहुत आता है, गाड़ी चलते सामान सारा खड़ा है। भाई फेंडर शीशा वीडियो का लगाया हुआ इन्होंने, इसके बारे में बता रहे हैं ना, ये वीडियो का लगा हुआ है फेंडर का मिरर 500-700 का रुपए का। अगर बात करें इसी के साथ साथ गाड़ी के ऊपर तो साहब भाई और क्या होने आया हमारे पास? इसकी सेटिंग तो होनी है, सेटिंग सारी है। ये देखें, ये हमारी गाड़ी में ये कट होता ही नहीं है, ये नहीं होता हमारा कट, इधर से सीधा जाके ओरिजिनल जो आता है ना भाई, पीस भी बनाते हैं वो होता है यहाँ पे। और इसकी साइड प्रोफाइल कम्प्लीट बनेंगे भाई जान, देखें इनकम्प्लीट गाड़ी छोड़ी हुई। साइड पे क्या क्या नया करने जा रहे हैं आप? साइड पे भाई जान इसका साइड मिरर चेंज होना सबसे पहले, इसके एयर पैस चेंज होना, जो कि बड़े वाले लगे हुए हैं, छोटे लगे हैं, इसके रूफ रेल्स, इसकी शेप्स बनेंगी जी भाई, नए मॉडल वाली, मतलब साइडों से पूरी नई प्राडो बना देनी, पूरी नई प्राडो बनेगी। तो फिर नीचे डेफिनेट साइड पैनल, डोर मोल्डिंग भी लगेंगे, डोर मोल्डिंग भी लगने हैं, और हैंडल भी लगने हैं नई डाई के साथ। ये जो इसकी शेप है ये खत्म करके नई शेप के हैंडल के जो डाई के साथ साथ चलते जाएं। साहब भाई पाकिस्तान के कौन कौन से काम खराब आपने ठीक करने हैं? भाई जान ये देखें, बैकलाइट आपको दिखाते जाऊँ, बैक इन्होंने बैकलाइट बनाई है लेकिन ये बैकलाइट टेढ़ी है, थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं तो पीछे से ऐसे नहीं थी क्लियर। बैकलाइट तो टेढ़ी है, बैकलाइट के साथ साथ बैक गार्निश भी लगी हुई है साहब भाई, गार्निश लगी हुई है इससे, लेकिन इसका बम्पर इन्होंने लगाया भाई जान। देखें बम्पर पुराने मॉडल का छोड़ के नीचे बॉडी किट लगा के कस्टमर की आंखों में ना इन्होंने मट्टी डाली हुई है किसी ने। तो ये जो हाथ जा रहे हैं अंदर, ये देखें बहुत ज्यादा गैप्स हैं साहब भाई, ये चीजें मैटर करती हैं। ये चीजें ये पेंट में सारा इसका फुला हुआ है सारा इसके भाई, पूरी गाड़ी मेंटेन करनी है, पूरी गाड़ी पेंट भी करेंगे। ये साहब भाई क्या करेंगे? ये रेस्ट है ना भाई, उन्होंने ऐसे छोड़ा हुआ जहाँ से फेस टूट हुई है चीजें वैसे। और क्लाइंट कहते हैं कि हमने रिसेंटली करवाई है, कुछ ज्यादा पुरानी भी नहीं है ये। बैक बम्पर ही नहीं डाला गाड़ी को साहब भाई, कैसे लोग काम कर रहे हैं यार? आई नो के लोग जो है ना, गाड़ी का नंबर नोट कर ले भाई जान, इंशाल्लाह एक महीने बाद। और इंटीरियर से क्या करने जा रहे हैं? इंटीरियर भी कंप्लीट इसका चेंज होना है, इसका पुराने मॉडल का इंटीरियर है जी भाई, डैशबोर्ड चेंज होना है, इसके डोर्स के ट्रिम्स चेंज होने हैं, इसका स्क्रीन, इसकी सीट्स भी नहीं बनेंगी, और गाड़ी को इसको बेस इंटीरियर करना है। क्या बात, हम अपनी हर वीडियो में बता रहे होते हैं गैप्स, ये देखें गैप्स, ये कितने कितने गैप है गाड़ी की लाइट के अंदर, लेकिन सारे क्लियर होंगे, कोई गैप नहीं रहेगा। और इंटीरियर से क्या करने जा रहे हैं? इंटीरियर भी कंप्लीट इसका चेंज होना है, इसका पुराने मॉडल का इंटीरियर है जी भाई, डैशबोर्ड चेंज होना है, इसके डोर्स के ट्रिम्स चेंज होने हैं, इसका स्क्रीन, इसकी सीट्स भी नहीं बनेंगी, और गाड़ी को इसको बेस इंटीरियर करना है। क्या बात, इसकी गाड़ी का आप क्लॉथ देख लें, क्लॉथ भी सारा चेंज होना है, पूरा इंटीरियर इसका बेस किया जाएगा कम्प्लीट। एक जो 24 की फील आती है ना गाड़ी में, जनरल गाड़ी की, वो इसमें 24 बननी है गाड़ी। अभी फिर फ्रंट पे आ चुके हैं, इस मैगा क्यों ना गाड़ी का बोनट खोल के देखा जाए साहब भाई। खोल के चेक करते हैं अंदर क्या किया हुआ। इसके शौक कहाँ पे हैं? लो शौक ही नहीं है इस गाड़ी के तो, कैसे खड़ा करेंगे बोनट? ये रोड बनाया हुआ किसी ने स्पेशल। अच्छा ये लोकल रोड बना के इन्होंने, कहाँ पे रोड इसका? ये मेरे ख्याल वहां पे आएगा स्क्रू की जगह पे। हाँ हाँ हाँ, ये ले भाई जान प्राटो के बोनट भी रोड पे खड़े होंगे।
ये झटके देख लें साहब भाई, और ये लें क्लिप भी कोई नहीं, स्क्रू लगाए हुए हैं जहाँ पे क्लिप्स आते हैं उसको स्क्रू लगे हुए हैं। और गाड़ी सर यही चीजों का फर्क होता है टेक्निकली प्रोफेशनलिज्म काम करने में, और मतलब अनारी बंदा मतलब पकड़ा जाता है कि अनारी बंदा कैसे काम करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी तैयार हो और अपनी गाड़ी आप इंजॉय करें जाके, ऐसे ना हो कि एक अदारे से बनवाए और दूसरे अदारे पे उसे ठीक करने के लिए और एक ही बार प्रॉपर रेडी होनी चाहिए गाड़ी, एक ही बार प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। जैसे हम लोग इस गाड़ी को करेंगे, किसी अदारे की बनी हुई है उसका नाम नहीं लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं क्वालिटी वाला काम कि एक बार ही करवाएं और फिर अपनी गाड़ी इंजॉय करें, फिर आ जाएं आप ऑटो चैनल वन पे। इसी के साथ अपने मेजबान फैजान अली, मेरे साथ बड़े गुड लुकिंग मेरे साहब भाई, और उसी तरह मेरा कैमरामैन तैमूर भाई, तीनों को इजाजत है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया साहब।